होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनली आने वाला है। टीजर जो है लॉन्च हो चुके हैं। ये जो इनका भाई पहला टीजर अभी आउट हुआ है, देख सकते हो भाई, इसमें हेडलाइट ही दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन भाई इलेक्ट्रीफाई जब वर्ड हमें देखने को मिल जाए ना, तो हम आप एग्जैक्टली भाई समझ ही सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही होने वाला है। और आपको बता देता हूँ भाई, होंडा का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना भाई, उसके लिए भाई लोगों को ना बहुत टाइम से वेट था। छोटा मोटा ब्रांड देखो भाई कितने आ गए भाई इलेक्ट्रिक है, लेकिन भाई इनकी सेल तब तक थी जब तक होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं आया था। तो अब जो है ना भाई, फाइनली होंडा का अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टीज कर दिया है, और इसको लॉन्च करने वाले हैं भाई 27 नवंबर को। 27 नवंबर को आपको इसकी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी भाई सभी यूट्यूब चैनल्स पे। तो भाई अभी हमने इसके अभी तक कॉन्सेप्ट डिजाइन ही देखे थे, लेकिन फाइनली ना अब होंडा कुछ बड़ा और अच्छा करने वाला है, और नया धमाल जो हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जो है ना भाई इलेक्ट्रिक में ना, अब सोच भी नहीं पड़ोगे, जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाते थे ना, सबसे पहले क्या देखते थे भाई, ओला ले लेते हैं या फिर नहीं ओला की सर्विस बेकार है, तो उसके बाद बंदा जाता भाई TVS या फिर एथर के पास। उनमें सब में भाई कन्फ्यूज होकर रह जाता भाई, कहीं पर ना उसको भरोसेमंद चीज़ नहीं मिलती। लेकिन अब जब होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएंगे ना, एक्टिवा इलेक्ट्रिक, तो वही बंदा ना भाई आँख बंद करके ले लेगा, क्योंकि ना फिर जो है ना वो कन्फ्यूज होगा ही नहीं, क्योंकि वो पता है भाई होंडा की जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है इतने सालों का, वो जो है ना कहीं उसके दिमाग में बैठा हुआ है, और वो जो है ना भाई आराम से खरीद सकता है, उसे परचेज कर सकता है, और कहीं ना कहीं भरोसा टूटने ही नहीं देगी भाई होंडा। क्योंकि अभी तक भरोसा तो बना रखा ना होंडा ने, शायद और कोई ब्रांड नहीं बना पाएगा, क्योंकि आजकल लोग ना भाई एक्टिवा ले लेते हैं, लेकिन फिर देखते हैं अभी इलेक्ट्रिक भी आ रही है, तो इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों ना जाया जाए। तो अब क्या हो गया ना भाई, अब कोई इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं चलेगी, सिर्फ होंडा ही चलेगी। और ये जो प्रोडक्ट कितना लेट क्यों आया, क्योंकि भाई कोई भी प्रोडक्ट है ना, जो बड़ी कंपनी होती है इसलिए लेट लेके आती है, क्योंकि रिसर्च वगैरह करके लेके आती है। ऐसे जल्दबाजी में लॉन्च कर देंगे तो उनकी पता हो भाई उनकी बदनामी होने वाली है। अब उन्होंने भाई पूरा कंप्लीट टेस्ट किया लिया है उनको, उसके बाद में फाइनली लॉन्च करने वाले हैं। और लगभग भाई 15-20 दिन बचे हैं, 27 तारीख को इसका लॉन्च अपने इंडिया में हो जाएगा। अब 10-15 दिन रह रहे हैं भाई, और जो प्राइसिंग वगैरह है वो अंडर 1 लाख रुपीज़ होने वाली है। तो ये जो प्राइस के मामले में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। रेंज वगैरह तो ठीक है भाई, 100-150 किलोमीटर के आसपास आपको मिली जाएगी, और पावर वगैरह भी डिसेंट आपको निकाल के दे देगी। मेन चीज़ क्या है भाई, रिलायबिलिटी, भरोसा, ट्रस्ट, वो जो किसी और ब्रांड पे नहीं विश्वास कर सकते ना, जो हम होंडा पे कर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना भाई, इसके लिए मेरे को भाई बहुत टाइम से वेट था, फाइनली जो एक अच्छा अपडेट आया, तो मैंने आप क्यों ना शेयर किया जाए। तो आप लोग वेट करना भाई 27 नवंबर को, और हम इसकी वीडियो भी लेके आएंगे। बाकी यही था आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।